हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ स्कूल। आई एम सृष्टि। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में हम लोग जो चैप्टर देखने वाले हैं वो है चैप्टर 15। चैप्टर 15 जो है सीआरपीसी का, वो बात करता है कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट से। तो मजिस्ट्रेट के पास जब कंप्लेंट आती है, 2D में हम लोगों ने देखा था डेफिनेशन ऑफ कंप्लेंट। तो कंप्लेंट आती है तो उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है, मजिस्ट्रेट कैसे इंक्वायरी करता है, कैसे स्टेप्स आगे बढ़ते हैं, वो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। सेक्शंस जो इसमें है वो सेक्शन 200 से लेके 203 तक है। तो चैप्टर 15 कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट, सेक्शन 200 to 203 आज हम लोग देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट हेडिंग्स देख लेते हैं जो आज क्लास में हम लोग कवर करेंगे। पहला, सबसे पहले हम लोग समझेंगे मीनिंग ऑफ कंप्लेंट, जो एक बार हम लोग पढ़ भी चुके हैं। कंप्लेंट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2D ऑफ सीआरपीसी। 2D में क्या डिफाइन किया गया, क्या मीनिंग दिया गया कंप्लेंट का, वो हम लोग देखेंगे। और हम लोग प्रोसीजर भी देखेंगे कि जब इंफॉर्मेशन आ जाती है तो किस तरह से कौन कॉग्निजेंस लेता है, वो हम लोग समझेंगे इसी हेडिंग के अंदर। फिर हम लोग देखेंगे 200 से लेकर 203 में क्या क्या दिया गया है। 200 में कहा गया एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। तो सबसे पहला स्टेप, जब कंप्लेंट आती है मजिस्ट्रेट के पास, तो मजिस्ट्रेट जो है कंप्लेनेंट को एग्जामिन करता है। किस तरह से एग्जामिन करेगा, क्या होगा, ये सेक्शन 200 में हम लोग देखेंगे। 201 में देखेंगे प्रोसीजर व्हेन मजिस्ट्रेट इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस। मजिस्ट्रेट के पास जब कंप्लेंट आती है, मजिस्ट्रेट को लगता है कि ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू डील विद दिस केस, और ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ हिस केस, वो उसके ज्यूरिसडिक्शन में लाया नहीं करता है, वो इनकम्पिटेंट है इस केस को ट्राई करने के लिए। तो 201 में मजिस्ट्रेट जो है वो क्या करेगा, वो हम लोग 201 में समझेंगे। 202 में देखेंगे पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस। ये क्या होता है, पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू प्रोसेस क्या है, इश्यू प्रोसेस क्या होता है, ये हम लोग यहाँ समझेंगे, और क्यों पोस्टपोन किया जा रहा है वो भी देखेंगे। और 203 में है डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि कंप्लेंट में कोई भी ऑफेंस नहीं कमिट हो रहा है, तो यहाँ पर इंक्वायरी करता है पूरा मजिस्ट्रेट, कंप्लेनेंट को देखता है, तो मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि कोई ऑफेंस नहीं हुआ है, देर आर नो ग्राउंड्स फॉर प्रोसीडिंग, देन द मजिस्ट्रेट विल डिसमिस द कंप्लेंट अंडर 203। तो आज की इस क्लास में हम लोग ये पूरा कवर करने वाले हैं। सो आई विल स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ कंप्लेंट, सेक्शन 2D। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कंप्लेंट तक, यहाँ चैप्टर 15 तक हम लोग पहुँच कैसे रहे। सबसे पहले अगर कोई क्राइम कमिट होता है, तो जो पर्सन विक्टिम है, या फिर जिसके सामने क्राइम हुआ है, या फिर जो पर्सन इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा होता है, उसके पास दो ऑप्शन है। या फिर वो मजिस्ट्रेट के पास जाए अपनी ग्रीवियांस लेकर, या फिर ये बताने कि ऑफेंस कमिट हुआ है, या फिर वो पुलिस के पास आता है। तो जब वो पुलिस के पास आता है, तो अगर वो कॉग्निजेबल केस होगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, तो FIR दर्ज हो जाएगी 154 में, या नॉन कॉग्निजेबल होगा तो NCR होगी, दैट इज़ नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट 155 में। तो ये पुलिस के पास आता है तो ये सब होता है, और पुलिस जहाँ पर रिपोर्ट बनाती है 173 में, पुलिस रिपोर्ट कहते हैं, उसको सबमिट किया जाता है, और फिर ये चैप्टर 12 में पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, उसी में रिपोर्ट बनाती है। तो अगर पुलिस के पास आ रही है, तो पुलिस जो है उसको इन्फॉर्मेशन को FIR या NCR कंसिडर करके इन्वेस्टिगेशन करती है चैप्टर 12 में। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस अपनी रिपोर्ट लाती है। अगर पर्सन दूसरा ऑप्शन एक्सरसाइज करता है और मजिस्ट्रेट के पास जाता है, तो मजिस्ट्रेट यहाँ पर 2D में उसको कंप्लेंट कंसिडर करता है। तो कंप्लेंट या कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल कुछ भी हो सकती है, उसको कंप्लेंट माना जाता है। इफ द पर्सन इज अप्रोचिंग मजिस्ट्रेट, देन इट विल बी टर्म्ड एज कंप्लेंट। 2D में डिफाइंड है, हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। जैसे मजिस्ट्रेट के पास यहाँ पर पर्सन आता है कंप्लेंट रजिस्टर करवाने, तो मजिस्ट्रेट प्रोसीड्स अंडर चैप्टर 15। वही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि चैप्टर 15 में जब मजिस्ट्रेट आता है तो क्या करता है। तो यह देख लिया हम लोगों ने कि इन्फॉर्मेशन किस तरह से आ रही है और किस तरह से वो जा सकती है। अब हम लोग देखेंगे कंप्लेंट का मतलब क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं डेफिनेशन ऑफ कंप्लेंट। ये हम लोग सीआरपीसी की एक पहले की वीडियो में भी देख चुके हैं, जहां हम लोगों ने डेफिनेशन डिस्कस करी थी कि कंप्लेंट क्या होता है, किस तरह से डिफाइन करा गया है। बट यहाँ पर और थोड़ा सा जल्दी से रिफर कर देते हैं डेफिनेशन को। कंप्लेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2D। सेक्शन 2D में कहा गया कि कंप्लेंट है एक एलिगेशन, एलिगेशन कोई लगा रहा है अबाउट कमीशन ऑफ ऑफेंस। कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है, वो एलिगेशन लगा रहा है, वो आरोप लगा रहा है कि कोई ऑफेंस कमिट हुई है। ऑफेंस किसी भी तरह की हो सकती है, कॉग्निजेबल हो सकती है, नॉन कॉग्निजेबल हो सकती है। तो एंड इट इज कमिटेड बाय अ पर्सन हु इज नोन और अननोन। सो कंप्लेंट इज एन एलिगेशन, इट मे बी ओरल और इन राइटिंग। एलिगेशन है कि किसी इंसान ने नोन या अननोन ऑफेंस किया है। ऑफेंस कोई भी हो सकता है, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल।
और ये एलिगेशन लिखकर हम किसको, ओरल और राइटिंग किसको दे रहे हैं? हम दे रहे हैं मजिस्ट्रेट को। और मजिस्ट्रेट से हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं, वी वॉन्ट हिम टू टेक एक्शन। हम चाहते हैं कि मजिस्ट्रेट इस एलिगेशन पे, ये जो ओरल या रिटन एलिगेशन है कि किसी ने ऑफेंस की है, नोन या अननोन पर्सन ने, हम चाहते हैं कि मजिस्ट्रेट उसमें कोई कार्रवाई करे, कोई एक्शन ले। अब मजिस्ट्रेट कैसे एक्शन लेगा? तो मजिस्ट्रेट विल, वेन कंप्लेंट आती है उसके पास, तो मजिस्ट्रेट विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ द कंप्लेंट अंडर सेक्शन 191A। तो अगर हम लोग सेक्शन 191A देखेंगे तो वहाँ पर कॉग्निजेंस दिया हुआ है, किस तरह से कॉग्निजेंस ले सकते। तो मजिस्ट्रेट यहाँ कंप्लेंट का कॉग्निजेंस इसमें लेते हैं। कॉग्निजेंस मीन्स ही इज टेकिंग नोटिस ऑफ द कंप्लेंट। और फिर कॉग्निजेंस लेने के बाद हम लोग यहाँ चैप्टर 15 में आते हैं, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो कंप्लेंट इज एन एलिगेशन मेड ओरल और इन राइटिंग, इट इज मेड टू द मजिस्ट्रेट एंड इट इज एन एलिगेशन अबाउट कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, वेदर कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, कमिटेड बाय द पर्सन नोन और अननोन, एंड इट इज गिवन टू द मजिस्ट्रेट विद व्यू ऑफ हिज टेकिंग एक्शन, कि वो कुछ कार्रवाई करे। ही टेक्स एक्शन एंड टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ कंप्लेंट इन 191A एंड प्रोसीड्स अंडर चैप्टर 15। तो ये हो गया कंप्लेंट का पूरा ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। और लास्ट में एक एक्सप्लेनेशन है, जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कि कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट। तो ये एक जनरल ब्रीफ डिस्कशन हो गया कंप्लेंट होता क्या है। अब जब हम लोग 15 पे चलते हैं, तो हम लोग सबसे पहला सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 200। सेक्शन 200 में कहा गया है एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। तो सबसे पहले जब कंप्लेंट आती है मजिस्ट्रेट के पास, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, वो एग्जामिन करेगा कंप्लेनेंट को और विटनेसेस को जो प्रेजेंट होंगे। तो सेक्शन 200 में कहा गया कि द मजिस्ट्रेट शैल वर्ड यहाँ यूज हुआ है, मतलब मैंडेटरी है, मजिस्ट्रेट को एग्जामिन करना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, वो बिना एग्जामिन किए कंप्लेंट को डिसमिस नहीं कर सकता है। तो मजिस्ट्रेट शैल एग्जामिन, किसको किसको एग्जामिन करेगा, ऑन ओथ, ओथ लेकर एग्जामिन करवाएगा मजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट को, जिसने कंप्लेन करी उस पर्सन को मैंडेटरीली शैल लगा हुआ है, एग्जामिन किया जाएगा। तो कंप्लेनेंट को एग्जामिन करेगा मजिस्ट्रेट एंड विटनेसेस को भी करेगा, इफ एनी प्रेजेंट। तो कोई विटनेस अगर कंप्लेनेंट के साथ मौजूद है उस वक्त, तो उनको भी साथ साथ में एग्जामिन कर लेगा, इफ एनी का मतलब, यहाँ अगर कोई मजिस्ट्रेट के कंप्लेनेंट के साथ विटनेसेस प्रेजेंट है तो उनको एग्जामिन करेगा, अगर नहीं प्रेजेंट है तो ऐसा नहीं होगा कि उनको बुलवाए और एग्जामिन करे, अगर प्रेजेंट है तो उनको कर लिया जाएगा, पर कंप्लेनेंट को तो एग्जामिन करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है ऑन ओथ। जब एग्जामिन कर लेगा तो जो उसका सब्सटेंस होगा, इट विल बी रिड्यूस टू राइटिंग। तो जो भी एग्जामिन करने के बाद वो चीज़ें होगी, उसको लिखित में रख लिया जाएगा, उसको साइन किया जाएगा। कौन साइन करेगा? मजिस्ट्रेट खुद साइन करेगा और कंप्लेनेंट या विटनेसेस से भी साइन करवाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक्सेप्शन मेंशन है, जो प्रोविजो दिया हुआ है वो एक्सेप्शन है। तो जनरल रूल ये है कि जैसे ही कंप्लेंट आती है, मजिस्ट्रेट के ऊपर ड्यूटी है, मैंडेटरी है, कंपल्सरी है कि कंप्लेनेंट को ओथ लेकर एग्जामिन करवाना है। एक्सेप्शन जब मजिस्ट्रेट को एग्जामिन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी दो सिचुएशन है व्हेन द मजिस्ट्रेट विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द कंप्लेनेंट। अगर रिटन कंप्लेंट है तो एक्सेप्शन में कहा गया है कि अगर कंप्लेंट लिखित में दी गई है, ऑलरेडी राइटिंग में है कंप्लेंट, तो मजिस्ट्रेट नीड नॉट एग्जामिन द फॉलोइंग पर्सन। तो कंप्लेंट राइटिंग में दी हुई है और किसने दी है? कोर्ट ने। कोर्ट ने कंप्लेंट करी या किसी पब्लिक सर्वेंट वाइल एक्टिंग इन इट्स ऑफिशियल कैपेसिटी ही हैज मेड द कंप्लेंट, तो मजिस्ट्रेट नीड नॉट एग्जामिन देम। तो जनरल रूल था कि मजिस्ट्रेट को एग्जामिन करना पड़ेगा, बट अगर कंप्लेंट लिखित में है और कंप्लेंट कोर्ट ने दी है या फिर कंप्लेंट पब्लिक सर्वेंट ने दी है, तो मजिस्ट्रेट को उनको एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है। दूसरी सिचुएशन व्हेन मजिस्ट्रेट नीड नॉट एग्जामिन द कंप्लेनेंट इज व्हेन द कंप्लेंट इज इन राइटिंग एंड व्हेन द मजिस्ट्रेट मेक्स ओवर द केस अंडर सेक्शन 192। सेक्शन 192 यहाँ रेफर कर सकते हैं। तो अगर द केस इज मेड ओवर फॉर इंक्वायरी एंड ट्रायल अंडर सेक्शन 192, तो मजिस्ट्रेट को कंप्लेनेंट को एग्जामिन करने की जरूरत नहीं। तो ये हम लोग देखा सेक्शन 200। सेक्शन 200 में कहा कि जैसे कंप्लेंट आती है मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट शैल एग्जामिन द कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस इफ दे आर प्रेजेंट ऑन ओथ एंड रिड्यूस सच सब्सटेंस इन राइटिंग एंड इट शैल बी साइंड बाय द मजिस्ट्रेट एज वेल एज द कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस इफ एनी प्रेजेंट। एक्सेप्शन यहाँ दिया हुआ है कि व्हेन मजिस्ट्रेट नीड नॉट एग्जामिन, अगर कंप्लेंट राइटिंग में है तब मजिस्ट्रेट को, कोर्ट ने अगर कंप्लेंट करी है राइटिंग में या पब्लिक सर्वेंट ने कंप्लेंट करी है राइटिंग में, तो उनको एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है। और मजिस्ट्रेट मेक्स ओवर द केस अंडर सेक्शन 192, उसमें भी एग्जामिन करने की आवश्यकता नहीं है। अब लोग देखते हैं सेक्शन 201।
अब देखते हैं सेक्शन 201। सेक्शन 201 में कहा गया है कि प्रोसीजर वेयर मजिस्ट्रेट इज इनकम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस। मजिस्ट्रेट ने पाया कि वो जो कंप्लेंट उसके पास आई है ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस, वो इनकम्पिटेंट है उसको ट्राई करने के लिए, उसका कॉग्निजेंस लेने के लिए, उसका नोटिस लेने के लिए, तब क्या होगा। सेक्शन 201 में कहा गया है मजिस्ट्रेट को लगता है कि वो इनकम्पिटेंट है उसको ट्राई करने के लिए, उससे डील करने के लिए, तो इफ द कंप्लेंट इज इन राइटिंग एंड इफ द कंप्लेंट इज नॉट इन राइटिंग, इसके अलग अलग कॉन्सिक्वेंस इफेक्ट है। तो मजिस्ट्रेट को लगता है कि वो इनकम्पिटेंट है तो क्या करेगा वो, इफ द कंप्लेंट इज इन राइटिंग, अगर कंप्लेंट राइटिंग में दी हुई है, लिखित में है, तो मजिस्ट्रेट विल रिटर्न इट और कंप्लेनेंट को वो रिटर्न कर देगा, उससे कहेगा कि जो प्रॉपर कोर्ट है जो कंपिटेंट होगी उस पर जाकर आप इसको प्रेजेंट करिए। तो इफ कंप्लेंट इज इन राइटिंग, मजिस्ट्रेट को लगता है कि मैं इसको इनकम्पिटेंट हूँ ट्राई करने के लिए, तो वो क्या करेगा, एक एंडोर्समेंट लिख देगा, एक नोट लिख देगा कि आई एम इनकम्पिटेंट टू ट्राई इट, और वो कहेगा कंप्लेनेंट से आप इसको प्रॉपर कोर्ट में जाके प्रेजेंट करिए। दूसरा सिचुएशन, इफ कंप्लेंट इज नॉट इन राइटिंग, अगर वो राइटिंग में नहीं ओरल है तब क्या होगा, जब ओरल कंप्लेंट है राइटिंग में नहीं है तो मजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट से कहेगा ही विल डायरेक्ट द कंप्लेनेंट टू प्रॉपर कोर्ट, वो कहेगा कि आप इस कोर्ट में जाकर अपनी कंप्लेंट दीजिए। तो ये सिचुएशन होगी मजिस्ट्रेट इज इनकम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द कंप्लेंट। तो हम लोग देखते हैं सेक्शन 202 पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ही 2D में पर्सन कंप्लेंट करता है मजिस्ट्रेट को, तो तुरंत ही मजिस्ट्रेट, ऐसा नहीं होगा कि कंप्लेंट पे तुरंत ही आगे ट्रायल होने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। मजिस्ट्रेट देखता है कि जो इन्फॉर्मेशन वो कंप्लेनेंट ला रहा है क्या वो वैलिड इन्फॉर्मेशन है, क्या देर आर सफिशियंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग और नॉट, क्या कोई ऑफेंस कमिट हो भी रही है कि नहीं, इसीलिए वो 200 में कंप्लेनेंट को, विटनेसेस को एग्जामिन करवाता है, मैंडेटरी एग्जामिनेशन है, उनसे पूछताछ करता है जिससे उससे पता चले कि क्या ऑफेंस हुई है, ऑफेंस हुई भी है कि नहीं, आगे प्रोसीड करने की जरूरत है कि नहीं है। ऐसे ही 202 में मजिस्ट्रेट विल इशू प्रोसेस। तो जब आगे बढ़ता है मजिस्ट्रेट, एग्जामिन मजिस्ट्रेट ने किया और मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ कोई ऑफेंस हुई है, तो मजिस्ट्रेट विल इशू प्रोसेस। इशू प्रोसेस मतलब आप मजिस्ट्रेट समन करवाएगा, इशू प्रोसेस 204 में दिया हो, 204 मजिस्ट्रेट समन भेजेगा कि बाकी लोग भी कोर्ट के सामने प्रस्तुत हों, अपीयर करें, समन नहीं है तो वारंट भेजेगा, तो ऐसे ऐसे चीज़ें वो मजिस्ट्रेट भेजता है कि अक्यूज्ड अपीयर करे कोर्ट में, विटनेसेस अपीयर करे, तो ये होता है इशू प्रोसेस का मतलब। 202 में दिया है पोस्टपोनमेंट इशू प्रोसेस। पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू प्रोसेस मतलब मजिस्ट्रेट को अभी भी डाउट है कि ऑफेंस कमिट हुआ है कि नहीं, वेदर देर आर सफिशियंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग और नॉट। मजिस्ट्रेट को अभी भी डाउट है कि उसको आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं केस में, इशू प्रोसेस करवाना चाहिए 204 में कि नहीं करवाना चाहिए, इसी वजह से यहाँ 202 में मजिस्ट्रेट इज पोस्टपोनिंग द इशू ऑफ प्रोसेस। रीजन ये है कि मजिस्ट्रेट और जानना चाहता है कि आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, देर आर सफिशियंट ग्राउंड्स की बिलीविंग कि ऑफेंस हुई है कि नहीं। 204 में लिखा हुआ है कि मजिस्ट्रेट हु इज ऑथराइज्ड टू टेक कॉग्निजेंस, कंपिटेंट मजिस्ट्रेट है, ही इज ऑथराइज्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑन कंप्लेंट। कॉग्निजेंस कहां लेता है, तो 191A में। ऐसा मजिस्ट्रेट हु इज ऑथराइज्ड टू टेक कॉग्निजेंस, और ऐसा मजिस्ट्रेट है जिस पे केस मेड ओवर किया गया है 192 में। इस मजिस्ट्रेट को अब लग रहा है यहां पर कि उसके पास डाउट है कि आगे मैं बढ़ूं कि ना बढ़ूं, ही इज डाउटफुल वेदर देर आर सफिशियंट ग्राउंड्स फॉर प्रोसीडिंग और नॉट। तब मजिस्ट्रेट क्या करेगा, ही विल इशू पोस्टपोन द इशू ऑफ प्रोसेस। 204 की जो फॉर्मेलिटी है उसको मजिस्ट्रेट पोस्टपोन कर देगा भी, और पोस्टपोन क्यों कर रहा है, पोस्टपोन इसीलिए कर रहा है क्योंकि मजिस्ट्रेट और जानना चाहता है कि कैसा ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। मजिस्ट्रेट पोस्टपोन करके अब क्या कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट पोस्टपोन कर दे रहा है 204 की फॉर्मेलिटीज, और वो खुद या फिर इंक्वायर करेगा केस, खुद वो इंक्वायर और करना चाह रहा है और देखना चाह रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन है सही है कि नहीं है, तो या फिर वो मजिस्ट्रेट खुद इंक्वायर करता है स्वयं, और वो डायरेक्ट कर देता है पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने को। तो ये हो गया पोस्टपोनमेंट ऑफ प्रोसेस। फिर से समझते हैं, 202 में कहा गया पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू प्रोसेस। जैसे ही कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास आती है तो मजिस्ट्रेट एग्जामिन करता है पर्सन को, एग्जामिन करने के बाद अगर उसको लग रहा है कि ऑफेंस सही में कमिट हुई है तो ही विल इशू प्रोसेस। इशू प्रोसेस 204 में दिया गया है जिसमें वो अक्यूज्ड को बुलाएगा, समन करेगा, वारंट भेजेगा।
यहाँ पर 202 में मजिस्ट्रेट इशू प्रोसेस को पोस्टपोन करने रहा है क्योंकि अभी मजिस्ट्रेट डाउटफुल है वेदर ऑफेंस इज कमिटेड और नॉट, और वो इशू प्रोसेस को पोस्टपोन करके 204 को पोस्टपोन करके वो खुद इंक्वायर कर रहा है कि इसको, या फिर वो पुलिस से इंक्वायर करवा रहा है, पुलिस से इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है कि और अच्छे से उसको थोड़ा सा इंक्वायरी करी जाए, ट्रायल से पहले थोड़ा सा और देखा जाए कि हम आगे बढ़े कि ना बढ़े। तो यहाँ पर इसका जो भी रिजल्ट आता है वो डिपेंड करता है कि कौन सा सेक्शन अप्लाई करेगा। अगर मजिस्ट्रेट को ये सब करने के बाद लगता है कि ऑफेंस सही में कमिट हुई है तो मजिस्ट्रेट विल प्रोसीड अंडर 204, सेक्शन 204 में वो इशू प्रोसेस करवा देगा, समन भेजेगा अक्यूज को कि अक्यूज प्रस्तुत हो कोर्ट के सामने, फिर ट्रायल चलेगा। और ये सब करने के बाद अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं कोई ऑफेंस नहीं हुई, देर आर नो सफिशियंट ग्राउंड्स फॉर प्रोसीडिंग, तो मजिस्ट्रेट 203 में कंप्लेंट को डिसमिस कर देगा। तो ये हो गया इशू प्रोसेस क्यों करवाया जाता है, मजिस्ट्रेट अपने आप को सेटिस्फाई कर सके कि क्या आगे करना है। ऑफेंस अगर लगता है मजिस्ट्रेट को कमिट हुई है तो 204 में चलेगा, अगर उसको लगता है कुछ नहीं हुआ है हमको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको डिसमिस कर देगा कंप्लेंट को 203 में। अब हम लोग इसका प्रोवाइजो देखते हैं। सो हम लोग सेक्शन 202 देख रहे हैं, इसमें मजिस्ट्रेट अपना ओपिनियन बना रहा है कि उसको इशू प्रोसेस करना है, 204 में बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। 204 में बढ़ेगा तो आगे वो ट्रायल करेगा, और 204 में अगर नहीं बढ़ता, उसको लगता है ऑफेंस नहीं हुई, तो 203 में वो कंप्लेंट को डिसमिस कर देगा। अब यहाँ पर हम लोग इसका प्रोवाइजो देख रहे हैं 202 का, जो ये सबसे कठिन अगर देखा जाए चैप्टर 15 में, अगर सबसे कठिन या इंपॉर्टेंट चीज़ है तो यही है। तो इसके प्रोवाइजो में क्या कहा गया है, हम लोग ने देखा कि मजिस्ट्रेट या फिर खुद इंक्वायर कर रहा है केस को, या फिर वो पुलिस को कह दे रहा है कि इन्वेस्टिगेशन आप करिए क्योंकि हमको अभी भी और पता लगाना है केस के बारे में। प्रोवाइजो पे कहा गया कि नो डायरेक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन विल बी मेड इन द फॉलोइंग टू केसेस, कब मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा सकता है। पहला है कि व्हेन द केस इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, केस ऐसा है विच इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, मतलब उसको बाकी मजिस्ट्रेट नहीं, सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन ही ट्राई कर सकती है, वो ऐसा केस है, तब मजिस्ट्रेट कोई भी डायरेक्शन नहीं दे सकता इन्वेस्टिगेशन के लिए। तब मजिस्ट्रेट क्या करेगा, तब मजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट से कहेगा कि अपने जितने भी विटनेसेस उनको प्रोड्यूस करो, उनको सामने लाओ, और मजिस्ट्रेट उनको ओथ पे एग्जामिन करेगा। तो पहला हम लोग देखा कि प्रोवाइजो में नो इन्वेस्टिगेशन, कब इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता, तो पहला वेद केस इज ट्राइबल बाय एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा एक्सक्लूसिवली केस ट्राइबल है, तब मजिस्ट्रेट कोई भी डायरेक्शन नहीं दे सकता इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए। मजिस्ट्रेट सिंपली क्या करेगा, कंप्लेनेंट से कहेगा अपने सारे विटनेसेस प्रोड्यूस करो, उनके विटनेसेस को ही विल एग्जामिन देम एंड ऑन ओथ, और फिर वो केस को भेज देगा कोर्ट ऑफ सेशन में ट्राई करने के लिए। दूसरा सिचुएशन है कि कब मजिस्ट्रेट कोई डायरेक्शन नहीं देगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, दूसरा सिचुएशन है इफ कंप्लेंट इज नॉट मेड बाई कोर्ट, यानी कि कंप्लेंट, जो कंप्लेनेंट है वो कोर्ट नहीं है, तो कौन है कंप्लेनेंट, किसने कंप्लेंट करी है, या फिर प्राइवेट पर्सन ने करी है, या किसी पब्लिक सर्वेंट ने करी है। तो इफ द कंप्लेनेंट इज नॉट अ कोर्ट, दिस मीन्स द कंप्लेंट इज मेड बाई प्राइवेट पर्सन एंड पब्लिक सर्वेंट। तो जब ऐसे लोग कंप्लेंट कर रहे हैं तो मजिस्ट्रेट विल गिव और कैन गिव नो डायरेक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन इफ until and unless he has examined them on oath। तो इसमें कहा गया है दूसरे सिचुएशन में कि कब मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन नहीं दे पाएगा, तब नहीं दे पाएगा जब तक कि ऐसे लोगों को मजिस्ट्रेट ने ओथ में एग्जामिन नहीं किया है। तो जब इन लोगों को एग्जामिन कर लेगा ओथ में, तभी डायरेक्शन दे सकता है। तो हम लोग ने सेक्शन 200 में देखा था कि मजिस्ट्रेट प्राइवेट पर्सन को तो एग्जामिन करता है, पर पब्लिक सर्वेंट को अगर कंप्लेंट राइटिंग में है तो एग्जामिन नहीं करता है। बट इस केस में यहाँ कहा गया है कि अगर कंप्लेनेंट जो है वो पब्लिक सर्वेंट है और मजिस्ट्रेट पोस्टपोन करना चाह रहा है इशू प्रोसेस को और इन्वेस्टिगेशन करवाना चाह रहा है, तो उसको पब्लिक सर्वेंट को भी ओथ में एग्जामिन करना पड़ेगा। तो यही इसका प्रोवाइजो है। फिर से देखते हैं कब डायरेक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट नहीं दे सकता है। पहला है केस इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, इस केस में मजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट को बुलाएगा, उसके सारे विटनेसेस को कहेगा कि आप इनको प्रोड्यूस करिए, उनको एग्जामिन करेगा ओथ में। दूसरा केस है व्हेन द मजिस्ट्रेट कैन नॉट डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, जब कंप्लेनेंट प्राइवेट पर्सन या पब्लिक सर्वेंट है तो मजिस्ट्रेट तब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा सकता जब तक कि उनको एग्जामिन ना कर ले ओथ में। तो यहाँ पब्लिक सर्वेंट को ओथ में एग्जामिन करना पड़ेगा, तभी इन्वेस्टिगेशन का मजिस्ट्रेट डायरेक्शन दे सकता है। ये सब प्रोसीजर इसलिए हो रहा है कि मजिस्ट्रेट डिसाइड कर सके कि आगे 204 में बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है।
तो चैप्टर 15 का हम लोग लास्ट सेक्शन देख रहे हैं, डिस्मिसल ऑफ कंप्लेंट, इट इज गिवन अंडर सेक्शन 203। तो चैप्टर 15 में आखिरी में अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि देर आर नो ग्राउंड्स फॉर प्रोसीडिंग इन द केस, देर आर नो सफिशियंट ग्राउंड्स कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, तो मजिस्ट्रेट विल डिसमिस द कंप्लेंट। तो सेक्शन 203 में दिया हुआ है डिस्मिसल ऑफ कंप्लेंट, इफ द मजिस्ट्रेट इज ऑफ द ओपिनियन आफ्टर कंसिडरिंग, क्या क्या देख रहा है मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट आफ्टर कंसिडरिंग द स्टेटमेंट्स ऑफ कंप्लेनेंट एंड विटनेस अंडर सेक्शन 200। सेक्शन 200 में मजिस्ट्रेट ने जो कंप्लेनेंट और विटनेसेस को एग्जामिन किया, उसके जो स्टेटमेंट उसको राइटिंग में लिख लिया है, उन स्टेटमेंट को देखने के बाद मजिस्ट्रेट को ऐसा लग रहा है कि देर आर नो ग्राउंड्स फॉर प्रोसीडिंग, या फिर मजिस्ट्रेट ने रिजल्ट ऑफ इंक्वायरी 202 में जो भी इंक्वायरी हुई उसके रिजल्ट को देखते हुए, इन दोनों को देखते हुए जो स्टेटमेंट 200 में रिकॉर्ड हुए, या फिर जो रिजल्ट ऑफ द इंक्वायरी अंडर सेक्शन 202, मजिस्ट्रेट को लगा कि यहाँ कोई ऑफेंस कंप्लीट कमिट नहीं हुआ है, या फिर देर आर नो ग्राउंड्स फॉर प्रोसीडिंग, देर आर नो सफिशियंट ग्राउंड्स कि मजिस्ट्रेट आगे इस केस में प्रोसीड करे, ट्रायल शुरू करे, अगर मजिस्ट्रेट को इन दोनों चीज़ को देख के ऐसा लगता है तो मजिस्ट्रेट विल डिसमिस द कंप्लेंट, और डिसमिस करने के साथ साथ ही उसका क्या रीज़न है कंप्लेंट को डिसमिस करने का उसको रिकॉर्ड करेगा इन राइटिंग। तो मजिस्ट्रेट विल डिसमिस द कंप्लेंट एंड रिकॉर्ड हिज रीजंस इन राइटिंग। लास्ट में अगर यहाँ पर डिसमिसल का ऑर्डर पास हो जाता है तो इस ऑर्डर को कहाँ चैलेंज कर सकते हैं, तो इस ऑर्डर को ऑर्डर अंडर 203 कैन बी चैलेंज्ड इन रिविजन। तो ये हो गया लास्ट सेक्शन, सेक्शन 203। So this was all about complaint under section 200 to 203। हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करा कि कंप्लेंट का क्या मतलब होता है, किस प्रोसीजर से कंप्लेंट जैसे होती है, फिर कहाँ से कहाँ जाती है, कैसे मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है, क्या प्रोसीजर है कंप्लेंट चैप्टर 15 में, क्या मजिस्ट्रेट प्रोसीजर अडॉप्ट करेगा, वो हम लोग ने पूरा यहाँ पर कवर किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे चैप्टर 17, दैट इज चार्ज, की चार्ज क्या होता है, और जॉइंडर ऑफ चार्ज भी डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय, आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास विद अनदर टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।